त्रिकोलिया थाना परिसर में मंगलवार को अपराध नियंत्रण व थाना क्षेत्र में शराब पीने व बेचने पर नियंत्रण को लेकर एसएसपी शिखर चौधरी के नेतृत्व में त्रिकोलिया बंजरिया के चौकीदार और दफ्तर का परेड लिया। इस दौरान सभी चौकीदार व दफ्तर को इलाके में गतिविधियों की जानकारी ली। शराब कारोबारियों को चिन्हित कर नाम देने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव में हुड़दंग करने वाले असामाजिक तत्वों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि इलाके में कहीं भी शराब बेचने की सूचना मिलने पर संबंधित चौकीदार व दफ्तर पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर थाना अध्यक्ष सुरेश कुमार यादव, दरोगा सोनी कुमारी, रंजन प्रसाद सिंह सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी को भी आवश्यक निर्देश दिया गया। मौके पर दफदार राम प्रवेश सिंह कुशवाहा, मंटू ठाकुर, चौकीदार राजदेव पासवान, कमलेश कुमार सहित लोग उपस्थित थे। परेड हुआ है, इसके बारे में बताया जाए। जी, ये चौकीदारी परेड इसलिए कराया गया, इलेक्शन का समय है, साथ ही साथ कई सारे पर्व त्यौहार आ रहे हैं, तो क्योंकि चौकीदार हमारे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, इनके पास ग्राउंड लेवल की सूचना फर्स्ट माध्यम से यही हमें देते हैं, तो उसी के लिए इनको ब्रीफ किया गया है कि कोई भी ऐसी सूचना मिलती है जातीय तनाव की, सांप्रदायिक हिंसा की या कोई असामाजिक तत्वों की, तो थानेदार को और हमें ये सूचित करें। साथ ही साथ शराब संबंधित जो रेड होते हैं तो इनके माध्यम से सूचना हमारे पास पहुंचती है, तो उसमें भी ये सजग रहने की ज़रूरत है, इसी के लिए इनको ब्रीफिंग दी गई है। लगातार रेड किए जा रहे हैं, कई सफलता तुरकौलिया थानों को मिली भी है, कई गिरफ्तारी भी हुई है, और डेली हम लोग भारी मात्रा में शराब पकड़ भी रहे हैं, साथ ही साथ विनष्ट भी कर रहे हैं।